अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। आज हमारे यहाँ बदली सा मौसम हो रहा है, धूप नहीं निकली है, तो जिसके नतीजे में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम हो गया है, तो काम करने में मज़ा आ रहा है। तो देखिए, आज भी जब भी मैं टेरेस पे आती हूँ तो अपनी शिफ्टिंग करती हूँ, यहाँ पे हमारे ग्रो बैग रखे हुए थे इस जगह पे, तो उनको मैंने हटाया है। हटा के देखिए कहाँ पहुँचाया है, इस साइड को पहुँचा दिया है, सब एक पास रख दिए हैं। वजह यह है कि रेलिंग है नहीं कोई भी इस तरफ, तो बाहर को दिखेंगे तो ज़रा सा मेरे साथ और लोगों की भी तबीयत खुश होगी, क्योंकि मेरा आना तो इस पे जो है टेरेस पे दूसरे तीसरे रोज़ ही होता है। और खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, देखिए इसमें गेंदे में, और इधर हमारा ये देखिए बोगनविलिया, एक बंच इधर भी है ये, तो इसको मैं अपनी सिस के यहाँ से लेके आई थी, मेरी आपा बड़ी, तो कटिंग लगाई थी मैंने। देखिए मेरे यहाँ कटिंग चल गई, उनका तो प्लांट ही सूख गया। लास्ट टाइम मैं उनके यहाँ गई थी तो बहुत सारे प्लांट्स नर्सरी से लाके लगाए थे, तो ये देखिए सब कितने प्यारे लग रहे हैं बोगनविलिया। इधर थोड़ी सी शिफ्टिंग करी थी तो बहरहाल आज झाड़ू वगैरह लगाई है। ये हमारे रोजेस खूब अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, तो बस आज करने क्या लगी हूँ मैं इनमें, इनको कट कर देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इधर झुका के करती हूँ, ये सामने कूड़ा रहेगा तो फिर साफ़ करने में आसानी रहेगी। और देखिए थोड़ा सा जब आप कोशिश करें, देखिए इसमें फंसा हुआ था उधर चला गया, मैं उधर से दिखाती हूँ आप लोगों को। सारी छत की सफाई करी है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि थोड़ी मदद हमारी कर देती हैं हमारी छोटी दरानी, तो देखिए लगी हुई हैं, कितना पेड़ पौधों से कूड़ा निकलता है। ये देखिए अभी ये सारे पॉट्स भी मुझे हटाने हैं, क्योंकि इस साइड को पानी स्टोर होता है, यहाँ पे भी पानी स्टोर होता है, तो चूँकि जो यहाँ पे प्लांट्स हमारे लगे हुए हैं तो ये सारे, इधर तो कटिंग्स लगी हुई हैं सब, और कटिंग्स के अलावा ये जो सारे हैं तो पोचिलाका वगैरह, तो ये तो सब समर्स के प्लांट हैं, लेकिन फिर भी मुझे सब यहाँ से हटा देना है। ये देखिए कॉक्सकॉम कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये छोटे से पॉट में, पॉट क्या है, ये हमारा गत्ता था, उसको काट के मैंने इसमें पोचिलाका लगाया था और ये इसी में ग्रो हो गया है। तो ये देखिए एक तरफ को ढनक रहा था, मैंने टूटा हुआ गमला लगा दिया है। इस साइड से मैं दिखाती हूँ, देखिए खूब अच्छी सी हमारे, और समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा शूट है। देखिए जो सकर्स निकल आते हैं तो सकर्स तो हमारे प्लांट को ख़राब कर देते हैं, उसमें कोई फ्लावरिंग भी नहीं होती, लेकिन ये एक शूट जो हमारा अलग से निकला हुआ है तो इसमें देखिए बहुत अच्छी, ये देखिए यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये तो इसमें जो है ये शूट निकल आया, और इसको शायद मैं रिमूव करना भूल गई क्या रहा, उसके नतीजे में इसमें देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। ये फ्लावर स्पेंट हो गया है, देखिए कलर में देखिए कितनी चेंजिंग आ गई है, लेकिन चूंकि ये हमारा इंग्लिश रोज़ है तो काफ़ी टाइम तक ठहरता है। ये देखिए, और ये देखिए, तो प्लांट्स की केयर करना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम जो स्पेंट फ्लावर्स हैं इनको रिमूव करना है। और देखिए कुछ करने की कोशिश करती हूँ, ये खासे हो नहीं पाता है, कैमरा भी संभाल के रखा है, ये देखिए इस तरह से, और निकाल देना ही मुनासिब रहता है, क्योंकि फिर इनके इनकी सूखी पत्तियाँ झड़ती रहती हैं, कूड़ा भी होता है। ये देखिए, ये देखिए, अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, देखिए पहले मैं दिखा दूँ फिर कट करूँगी। देखिए ये स्पेंट हो चुका है फ्लावर, और इसमें देखिए मैं कहाँ, ये देखिए और इसमें बुरी तरह से मिली बक्स लगे हुए हैं, तो इसको तो फिर मुझे रिमूव ही करना है। ये देखिए यूँ भी रिमूव करना था क्योंकि स्पेंट हो चुका है इस तरह से, और इधर भी देखिए बर्ड्स बनी हुई हैं। तो जब भी आप अपने रोज में कटिंग करें तो थोड़ी सी मोटी टहनी लेके, तो जब भी आप अपने रोज में कटिंग करें इस तरह से तो थोड़ा सा नीचे से करें, थोड़ा मोटी टहनी लेते हुए करें, क्योंकि अब इसमें होगा क्या कि यहाँ से जो नए शूट आएंगे तो वो हेल्दी शूट्स आएंगे, वरना वो पतली पतली टहनियाँ निकलेंगी, उनका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए सारे पूरी टहनी को तो मैं नहीं निकालूंगी, इसको यहाँ से पकड़ इस तरह से, ये देखिए
ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट्स की सूखी पत्तियाँ रिमूव करते रहें, क्योंकि ये लटकी रहती हैं जब प्लांट्स में, प्लांट्स बड़े गंदे दिखाई देते हैं, बीमार से दिखते हैं। तो करना क्या है हमें, देखिए अब जो कोहरे का टाइम आ रहा है, पहली बात तो मैं बताती हूँ कि करना क्या है। करना ये है कि इनके जो स्पिन फ्लावर्स हैं, सूखी हुई टहनियाँ हैं, इनको सबको इस तरह से कट करते रहना है। और उसके बाद जो है, अब देखिए कोहरे का टाइम आ रहा है, कोहरा शुरू हो जाएगा, फॉग शुरू हो जाएगा, तो फॉग में तो देखिए आप लाख चाह लें, देखिए एक दो प्लांट होंगे तो आप उनको कवर कर लेंगे, किसी चीज़ से ढक देंगे। और जब हम लोगों के पास जैसे कि बहुत सारे अनलिमिटेड प्लांट्स हैं, तो उनको किस चीज़ से ढका जाए, या तो फिर ग्रीन नेट वगैरह का इंतज़ाम किया जाए। तो ये सब काम अब एक बार गर्मियों में लगाया जाए, एक बार सर्दियों में। हालांकि मैं खैर कभी नहीं लगाती हूँ, मैं और लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो लगाते हैं। तो बस इनको फिर कुदरत के सहारे ही छोड़ देना है, क्योंकि काफ़ी हद तक प्लांट्स ख़राब होते हैं। ख़राब होने का मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स हमारे मर जाते हैं, लेकिन उनकी लीव्स वगैरह इतनी सब ख़राब हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी। तो बस यही मतलब है कि प्लांट्स हमारा डोरमेंसी में चला जाता है, इतनी ज़्यादा ठंडक को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और फिर बीच बीच में धूप निकलती रहती है, तो वो धूप भी ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। अब ये देखिए सर्दियाँ शुरू हो गई, फिर भी इन पर मिलीबग्स का अटैक है। तो मैं इसको यहीं से निकाल दूँगी, देखिए यहाँ से, देखिए ये दिखाने की कोशिश, ये मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ये देखिए। तो ये सब बहुत ध्यान रखने लायक बातें हैं, बहुत ध्यान रखा जाता है प्लांट्स का। मतलब ये नहीं है कि लगा दिया और लगाने के बाद छुट्टी हो गई। लोग पूछते हैं मुझसे कि मेरे प्लांट नहीं चलते हैं, तो मैंने पूछा कि एक रिश्तेदार हमारे आए थे, मेरे प्लांट नहीं चलते फूफी, तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, मतलब पानी वगैरह का ऐसा तो नहीं कि पानी आपके पौध में भरा है, आप लोग फिर ड्यूटी से भर देते हो? कहीं बस हम लोग यही करते हैं, बताइए आप भला बताइए, पौध में पानी भरा हुआ है ऑलरेडी, आप उसमें फिर से पानी भर देंगे तो क्या होगा, वो सड़ जाएंगी, जाहिर बात है। तो बस छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के काम करें, तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, बस छोटे छोटे रूल्स को आप फॉलो करते रहें और गार्डनिंग को एंजॉय करते रहें। अच्छा ये देखिए यहाँ पे हमारी कटिंग्स लगी हुई हैं इस गत्ते में। तो बहुत लोग करते क्या हैं, सीज़न ख़त्म हो गया, चीज़ों को उठा के फेंक दिया। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, वजह ये है कि जो चीज़ आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा है, फिर आपके पास ना रहे और आप मांग के देखें किसी से, आपको इतनी सी टहनी भी कोई नहीं देगा। तो अपनी ही चीज़ों की हिफाजत कीजिए। अब ये गत्ता है देखिए, इसमें ये टेंगल हार्ड कितने अच्छे से अभी भी ग्रो हो रही, कलर थोड़ा चेंज हो गया, येलो हो रहे हैं। और ये सारी हमारी जो है हैंगिंग ही वाली ग्रास हैं, तो इनको मैंने ख़त्म नहीं करना। ये गत्ता मैंने ला के यहाँ पर रखा था, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर पानी स्टोर होता है, तो यहाँ से हटाना है, तो हटा दूँगी मैं और उनको ख़त्म नहीं करूँगी, बस जगह चेंज करनी है। ये हमारे बोनसाई हैं, कोई गूलर का है, कोई बरगद का है, कोई पकड़िया का है, तो इनसे सब मिट्टी सब गायब हो गई थी। वजह यह है कि इसका भी कोई तरीका होता है वाटरिंग करने का, इस तरह से वाटरिंग करी जाए, लेकिन ये है कि इतने सारे प्लांट हैं तो कहाँ तक ये आदमी इस तरह से इनसे बंदा करे कोई, तो लेकिन तरीका यही है। खैर फिर करा क्या है मैंने, इसके देखिए अभी मिट्टी चढ़ाई है, तो मिट्टी चढ़ाई ताज़ी मिट्टी है, तो मैं इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको वाटरिंग कर रही हूँ कि मिट्टी सेट हो जाए। कितनी भी सेट हो जाए मिट्टी, लेकिन फिर अगर हम फोर्सफुली पानी डालेंगे तो फिर पानी तो मिट्टी तो बह ही जाएगी। ये देखिए, और गार्डनिंग करते समय कांटे ये वो तो सब चीज़ें खराश ये तो लगती हैं, और कांटे हैं प्लांट में तो लगेंगी। अगेव का कांटा देखिए अभी आपको ज़्यादा नहीं दिखा, यहाँ से खून आ गया था, तो मैं किसी वक्त वीडियो बनाऊँगी इस पर अगेव पे, फिर मैं आपको बताती हूँ उनके कांटों के साथ क्या करना चाहिए। अब देखिए जैसे कि ये अभी कोहरा गिरना शुरू नहीं हुआ, और ये हमारा बास्केट चेन प्लांट है। अब इसकी देखिए हालत कितनी खस्ता हो रही है, इनकी पत्तियाँ अभी से रेड रेड हो रही हैं, और ये सब जा चुके हैं डोरमेंसी में प्लांट्स सारे, डोरमेंसी वाले। मैं एक लिस्ट बनाऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ये देखिए इनकी सब पत्तियाँ इस तरह से स्प्रेंड हो रही हैं, तो जैसा कि बताया कि बहुत गंदे लगते हैं प्लांट, तो उनको सब हटाते रहना चाहिए। और देखिए बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, और इसके जो है देखिए ये जो पत्तियाँ हैं एकदम ऐसा लगता है कोई फ्लावर हो, रोजेट की तरह लगते हैं। तो आप इसको जो है कहीं से भी आपको मिल जाए, मैं तो कहीं से ले ही के आई थी, नर्सरी से नहीं लाई थी इसको, बस ऐसे आप मिट्टी देख रूट्स देख लीजिए इनकी, एरियल रूट्स कितनी ज़्यादा इनमें होती हैं। तो आप इतना सा भी टुकड़ा आप रख दें, टुकड़ा ये चीज़ ना मिले आपको, आपको खाली टहनी मिल जाए, आप इस तरह से मिट्टी में दबा दें, नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आज मौसम बहुत अच्छा था,
और थोड़ा काम से रोज़ के बनस्बत जल्दी फुर्सत मिल गई तो फिर मैं ये सब करने ऊपर आ गई। तेज़ गर्मी में काम भी कम होते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। अब देखिए ये मैंने पीवीसी पाइप प्लांटर बनाया था तो इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, लेकिन अब मुझे इसको खाली करना, सॉरी देखिए यहाँ से, हालांकि ये जो बेल्ट होती है बाइक्स वगैरह में लगाई जाती है इससे मैंने ये इसको हैंग किया था, कोई बात नहीं ये निकल गई है, मैं कोई मजबूत डोरी, लेकिन सवाल ये है मेरा झुकना अब मुश्किल है, मैं किसी ऊँची चीज़ पर इसको रख के फिर मैं दिखाती हूँ। कुछ चेयर पर इस तरह से रख लिया है, अब मुझे खाली करना है क्योंकि अब मैं इसमें पेटूनिया लगाऊँगी इंशाल्लाह, तो मुझे इसको खाली करना था। और देखिए ये अभी भी हेल्दी है, हालांकि अभी भी देखिए इक्का दुक्का फ्लारिंग हो रही है, ये देखिए येलो कलर का फ्लार है, तो मैं इसको खाली करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ड्रेनेज हॉल पे ये बोरी या कोई कॉटन का कपड़ा ज़रूर रखती हूँ जिससे मिट्टी बाहर ना निकले, तो देखिए इसमें बहुत सारे होल्स भी हैं और देखिए बहुत ही हमारी अच्छी मिट्टी है ये, लेकिन जो है अब सब उलट पुलट हो गया है मामला, तो बस इसको मैं निकाल के और फिर से मैं इसको फिलअप कर दूँगी जिससे जो है बस मेरे प्लांट आएँ और इसमें फिल किए जाएँ। अगर आपको इसकी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर इसकी सेपरेट वीडियो भी पड़ी हुई, आप उसको देख लीजिएगा, मैं फिल करके दिखाती हूँ। देखिए इसको इसको पूरा फिल कर दिया है, इसमें पहले एक लेयर सूखी पत्तियों की बिछाई, देखिए इस तरफ मेरी पत्तियाँ इकट्ठा हैं और इधर इस तसले में भी भरी रखी हैं, उधर एक बोरी रखी है, उसमें हर तरफ हमारी पत्तियाँ मैं फेंकती नहीं हूँ, गार्डन में जितना भी निकलता है मैं सब कलेक्ट करके रख लेती हूँ, क्योंकि उनसे होता क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहता है अगर नीचे एक लेयर पत्तियों की बिछाई जाती है सूखी पत्तियों की, और फिर वह पत्तियाँ टाइम के साथ जो है डिकम्पोज हो जाती हैं तो बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाती है हमारे पॉट्स में, तो इस तरह से। और दूसरी बात है लाइट वेटेड रहते हैं हमारे पॉट्स, और तीसरी बात यह है कि मिट्टी की ज़रूरत भी, मिट्टी की खपत कम होती है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी कहाँ से आए फिर, तो इस तरह से देखिए मैंने इसको फिल कर लिया। अब इसमें मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है, मैं लाऊंगी प्लांट्स और लाके बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनको सबको लगा दूँगी, बस ये कि पता नहीं कब जाना होगा मेरा। अब ये देखिए हमारा रेन लिली, तो अब इनका टाइम तो खैर गुजर गया है लेकिन मैं इनको कट कर दूँगी, ये देखिए क्योंकि इनकी, ये देखिए अब देखिए जगह जगह ये तुलसी के, ये टमाटर है सॉरी, ये देखिए तो जो एक्स्ट्रा के हैं प्लांट्स इसमें, तो आपको ख्याल रखना है कि जो वीड्स वगैरह हैं आप इनको सबको निकाल दीजिए तो देख के भी थोड़ा अच्छे लगे, फिर इनके जो इनकी ही पत्तियाँ अपनी जो स्पंज हो गई वो भी इसमें लटक रही हैं तो वो भी सब आप निकाल लीजिए, ये देखिए ये सब वीड्स ही हैं तो आपको उनको सबको ख़त्म करना है, तो देख के भी पॉट्स भी जो है साफ़ सुथरे लगते हैं, भले वो कीमती ना हो को ज़रूरी नहीं कि बहुत ही हम कॉस्टली ही पॉट अपने यहाँ रखें, चीज़ों को अरेंज रखा जाए साफ़ सुथरा रखा जाए देख के अच्छा लगता है। अम्ब्रेला पाम, तो ये पाम की फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, बस नाम ही इसका है, चूँकि ये देखिए बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह होते हैं छाते की तरह, तो इस वजह से इनका नाम रख दिया गया, इनको नाम दे दिया गया है, तो अभी ये भी इनका डोरमेंसी पीरियड चल रहा है तो ये सारे स्पेंट हो गए हैं, लटक रहे हैं सूखे हुए तो ये बुरे लग रहे हैं, तो इनको भी मैं रिमूव कर देती हूँ, और इनको जो है प्रोपेगेट करना बहुत ही आसान है। अब ये देखिए ये सूख चुके हैं, हो सकता है इसमें से बीज निकल गए हों, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये सारे इनके सीड्स यहाँ पर बनते हैं, तो इनकी प्रोपोगेशन बहुत ही इजी है, इनको पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं मिट्टी में भी, तो ये सारी इनकी लीव्स यहाँ से कट कर दी जाएँ, क्योंकि मैं नहीं करने जा रही हूँ तो मुझे नहीं कट करना है, यहाँ से लीव्स कट करके बस ये उल्टा पकड़ के सूखा हुआ मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये देखिए यहाँ से पत्ती ली, इसको यहाँ से कट कर दिया और बस सिंपल इसको मिट्टी में इस तरह से दबा देना है, और फिर यहाँ से सब नए नए शूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, आपके कई एक प्लांट तैयार हो जाएंगे, मिट्टी पानी में भी इसी तरह से आपको डिप कर देना है और बस नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। अब ये देखिए सब मिट्टी वगैरह भी फैली हुई है और इधर के प्लांट्स भी हटाने हैं मुझे, लेकिन मैं अभी आज कुछ नहीं करने जा रही हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मौसम भी आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ख़राब हो रहा है, ख़राब कह लीजिए अच्छा कह लीजिए जो भी है, मौसम बहुत ठंडक हो गई है मौसम में, तो अपना इस मौसम में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और देखिए सफाइयाँ अभी ख़त्म नहीं हो रही हैं, एक तरफ सफाई हुई थी और दोबारा से फिर कटिंग वगैरह करी तो तमाम सी पत्तियाँ फिर से निकली हुई, तो चलिएगा इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, थोड़ा सा इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है,
तो फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।